hello everyone welcome to ganbad academy i'm madhulika today is your 30th december and uh, again uh, we will be looking at one of the most important news from the hindu uh, and this article is regarding your language war and what language war it is basically talking about we'll be discussing here Language war and everything else that this editorial will be talking about, but uh, before I begin, let me give a brief introduction to the topic that what is this article basically all about so what has happened um uh, that uh, what kind of language world is talking about is uh that your uh, karnataka's government, you know, karnataka's government, uh, he has taken steps. he has taken steps to promote his state language, that is your Kannada language. so what steps has he taken is basically uh, uh, is that there are some pro Kannada activists. okay, pro Kannada activists uh, means who are working for the government of karnataka to promote the Kannada language not only that, they have started running campaigns and protest campaign, or you can say they've started running with the protest to promote this language. what has uh, the decision been given in bangalore, karnataka bangalore, that uh, it should be 60 to 40 ratio? what this 60 to 40 ratio is uh, talking about, that the government there has claimed that there will be 60% weightage. या प्रायोरिटी वॉट यू कैन से गिवन टू योर कन्नड़ लैंग्वेज एंड रेस्ट फोर्टी विल योर दी अदर लैंग्वेज प्रेफरेंसेज विल बी गिवन इसका मतलब क्या है बेसिकली आप ध्यान दीजिएगा कि क्या हुआ है कि कैंपेन जो बेंगलुरु में आ, रन हुआ या प्रोटेस्ट हुआ कन्नड़ लैंग्वेज को या स्टेट लैंग्वेज को सबसे ज़्यादा महत्व देने का हुआ है तो उसमें क्या बोला गया कि कन्नड़ लैंग्वेज जो है उसमें सारा जो आपका बिजनेस है Uh, जो वहाँ पे कर्नाटका में या बेंगलुरु में इस्टेब्लिश है सारे बिजनेस को अपने नेम प्लेट्स नेम प्लेट्स हुआ या साइन बोर्ड्स हुआ फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बिजनेस है कोई फ़र्म है बिज़नेस है तो उसमें अगर उन लोग का लैंग इंग्लिश लैंग्वेज में या हिंदी लैंग्वेज में उनका नाम लिखा हुआ है कंपनी का वगैरह तो उनको उनको कन्नड़ लैंग्वेज में चेंज करना होगा लेटेस्ट बायो ट्वेंटी एट फेबररी ट्वेंटी एट फेबरी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ओके सो so, ये स्टेप ये अनाउंसमेंट uh, गवर्नमेंट के द्वारा हुआ है उन्होंने ऐसा अपील रखा है हमारे पीएम के को नोटिस भी ऐसे करके भेजा है कि हम लोग को चेंज करना है उसे प्रायोरिटी किसको दिया जा रहा है अपने स्टेट लैंग्वेज को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं वो लोग या प्राइमरी लैंग्वेज डिक्लेयर करना चाहते हैं ठीक है और इसके लिए लॉट ऑफ पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन हैज़ ऑल्सो बीन देर ठीक है लॉट ऑफ पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन हैज़ ऑल्सो बीन देर प्लस ट्वेंटी प्रो एक्टिविस्ट जो ये सब चीज़ में इन्वॉल्व थे आ, सरकार की तरफ से वो लोग सबको अरेस्ट भी किया गया है ठीक है हालांकि अभी भी चल रहा है बात को लेके कि फेबररी तक ये सब सब हो जाना चाहिए जा, जितना भी बैनर्स होगा साइनबोर्ड्स होगा नेम प्लेट्स होगा सब किस लैंग्वेज में हो जाएगा उनका स्टेट लैंग्वेज दट इज कन्नड़ लैंग्वेज में हो जाएगा सो अस बिगिन विद द आर्टिकल डिस्कशन माइंड योर लैंग्वेज कर्नाटका गवर्नमेंट सेट्स अ बैड एग्जाम्पल वाया साइन बोर्ड्स वट इज़ द मीनिंग ऑफ वाया साइन बोर्ड्स वाया इज़ ऑलवेज नोन फॉर थ्रू तो क्या है कि कन्नड़ कर्नाटका के गवर्नमेंट ने एक बड़ा रॉन्ग इम्पैक्ट डाला है किसके थ्रू सारी चीज़ों को अपने स्टेट लैंग्वेज में कन्वर्ट करके साइन साइनबोर्ड्स ही हुआ या फिर आपका नेम प्लेट्स हुआ या हर चीज़ जो भी लिखा रहेगा वहाँ पे उस उस स्टेट में अगर आप जाइएगा तो कुछ भी क्या चीज़ में, में लैंग्वेज में करना चाहते हैं वो लोग वो सब कर्नाटका के कन्नड़ लैंग्वेज यानी स्टेट लैंग्वेज में करना चाहते हैं जैसे वेस्ट बंगाल का क्या हुँ? बंगाली लोग का लैंग्वेज जब बंगला लैंग्वेज चलता है वैसे यहाँ पर वो लोग प्राइटाइज करना चाहते हैं

मतलब डाइवर्स हम लोग जानते हैं हमारे देश कितना डाइवर्स है क्यों डाइवर्स है इन टर्म्स ऑफ कल्चर योर पैटर्न योर डिफरेंट काइंड ऑफ़ पीपल लिविंग डिफरेंट काइंड ऑफ फूड हैबिट्स डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि अगर इतना डाइवर्स हमारा देश है तो उसके कोर मतलब उसके हृदय के बीच में क्या है हमारा लैंग्वेज डिफरेंस है वट इज़ द मीनिंग ऑफ एरे एरे मीन्स योर वेरियस रेंज या रेंज तो क्या बोलते हैं वास्ट रेंज ऑफ लैंग्वेज क्योंकि यहाँ पे हर तरह के लोग हैं चाहे आपके कन्नड़ कर्नाटका के कन्नड़ लैंग्वेज वाले बें वेस्ट बंगाल के आ, बंगाली लैंग्वेज वाले लोग हुआ या तमिलनाडु के तमिल बोलने वाले आ, हुए तो लैंग्वेज डिफ्रेंसीशन क्या है बहुत ज़्यादा हमारे देश में डाइवर्सली दिखा जाता है और लोग अपने स्टेट लैंग्वेज को प्रमोट भी करना चाहते हैं ठीक है वो अपने अपने स्टेट आप जैसे पंजाब में देख लिए पंजाबी लैंग्वेज हुआ तो वो लोग क्या करना चाहते हैं अपने स्टेट लैंग्वेज को प्रायोरिटाइज़ भी करना चाहते हैं ये कुछ नहीं एक वे होता है आपका इलेक्शंस में आगे आने का या गवर्नमेंट को अपने आपको प्रेजेंट करने का लोगों का हार्ट जीतने का ये सब तरीका होता है उसके अलावा इसमें ये बोला जा रहा है कि कर्नाटका की गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस क्या होता है एक लॉ होता है या ऑर्डर दिया है किस चीज़ का ऑर्डर दिया गया ताकि कम कर, कर् कर्नाटका में इम्पोज हो सके इम्पोज मतलब स्ट्रिक्टली वहाँ पे लागू हो जाए ठीक है क्या लागू हो जाए सिक्सटी टू सिक्सटी इज़ टू फोर्टी यानी कन्नड़ इज़ टू अदर लैंग्वेज सिक्सटी परसेंट माध्यम ये वेटेज दिया जाएगा कर्नाटका के लैंग्वेज यानी कन्नड़ को और फोर्टी परसेंट वेचेज सिर्फ अदर लैंग्वेजेस जो भी छोटा मोटा लैंग्वेज होगा हिंदी इंग्लिश जो भी अदर लोग होंगे या तमिल बोलने वाले जो भी उसको इम्पोर्टेंस दिया जाएगा किसके बेसिस में वहाँ पे साइन बोर्ड हुआ नाम प्लेट्स हुआ या नेम प्लेट्स हुआ जो भी सारे इंस्टीट्यूशंस हुआ इंडस्ट्रीज़ हुआ बिजनेस हुआ जो भी कर्नाटक में सेटअप है बेंगलुरु में सेटअप है सबको चेंज करना होगा चाहे वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हो या प्राइवेट बिजनेस हो या पब्लिक हो तो इसको ऑथर ये जो आर्टिकल लिखे बोलते तो ये रॉन्ग है उनका बिहाफ पे ये गलत है क्योंकि उनके लिए उन्होंने यहाँ पे पांच रीज़न दिए अब हम लोग ये पांच रीज़न देखते हैं क्या है government caved in the vandals the state's decision came on the heels of vandals damaging signboards of shops which alleged allegedly were not cornered enough to note the vandalism happened despite traders having agreed to implement the 60 is to 40 ratio by february 28 2024 as required in बैंगलुरु म्युनिसिपैलिटी the breakage was by so called एक्टिविस्ट of an outfit led by Narayan गौड़ा who forays into headlines with extreme actions. तो इसमें बेसिकली क्या बोला जाता है गवर्नमेंट यानी कर्नाटका की गवर्नमेंट ने काब्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केब्ड वॉट इज द मीनिंग ऑफ केब्ड हिस् बेसिकली ही सराउंडेड बाय और यू कैन से ही सबमिटेड टू वंडल्स व्हाट इज़ विनिंग ऑफ वंडल और वंडलिज्म यहाँ पे क्या बोला जा रहा है वंडलिज्म क्या होता है कि इंटेंशनली यानी गवर्नमेंट मान लीजिए अपने फ़ायदे के लिए इंटेंशनली क्या होता है प्रॉपर्टी का डैमेज करना डिस्ट्रक्शन करना अपने आप को प्रोटेस्ट करके दिखाना या डेमोस्ट्रेट करने के लिए वो लोग क्या करते हैं प्रॉपर्टी डैमेज करते हैं वो वंडलिज्म होता है और वंडल्स होते हैं ये लोग जो ऐसे हरकत करते हैं ठीक है तो यहाँ पे क्या बोल रहा है गवर्नमेंट वहाँ के क्या कर रही है अपने आप को घिरी हुए सबमिट कर दिए पूरी तरह से अपने आप को न्यौछावर कर दिए वंडल से वंडल से प्रमोट करने के लिए ऐसे डिस्ट्रक्टिव एक्ट्स प्रमोट करने के लिए कैसे लेट्स सी द स्टेट्स डिसीजन केम ऑन द हील्स ऑफ वंडल्स डैमेजिंग साइन बोर्ड्स ऑफ शॉप्स विच आर एलिजली वर नॉट कन्नड़फ मतलब जो शॉप्स हैं फॉर एग्जाम्पल एक शॉप का नाम है आपका एक शॉप का नाम है किसी कोई भी शॉप का आप नाम लें मान लीजिए रिलायंस ही वहाँ पर कोई शॉप है या फिर सुपर मार्केट है तो ये इस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं लिखा रहेगा उनको कन्नड़ लैंग्वेज में चेंज करना होगा ठीक है कन्नड़ राइटिंग में चेंज करना होगा तो इसमें आरोप लगा है कि ये सब शॉप्स में क्या होगा कन्नड़ पूरे प्रॉपर्ली कन्नड़ तरीके से नहीं लिखा गया फॉर एग्जाम्पल रिलायंस है एक आपका इसके नीचे लिखा हुआ प्राइवेट लिमिटेड तो शायद हो सकता है कि वो लोग प्राइवेट लिमिटेड कन्नड़ में लिख दिए होंगे रिलायंस इंग्लिश में लिखे होंगे तो उनको बोलना कि कहने का कन्नड़ पूरी तरह से उसको खट उन लोगों को चेंज करना होगा साइन बोर्ड बेसिकली आपको पता होगा कि साइन बोर्ड क्या है फिर भी मैं बता देते हैं कि यहाँ साइनबोर्ड्स मतलब जितना भी नाम होता है जितना भी बोर्ड्स होता है जिसमें किसी कंपनी किसी बिजनेस किसी प्रोडक्ट का नाम डिस्प्ले होता है वो होता है साइन बोर्ड्स तो ऐसा सरकार का वहाँ के वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन है उसके अलावा इसमें बोला जा रहा है कि फंडलिज्म हैपन डिस्पाइट ट्रेडर्स हैव एग्रीड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिक्सटी टू फोर्टी रेशियो बाई ट्वेंटी ट्वेंटी टू एज रिक्वायर्ड एज रिक्वायर्ड इन बेंगलुरु म्यूनिसपालिटी सर्कुलेशन तो बोल रहे हैं कि ये सब लोग एग्री भी कर गए चलिए ठीक है और इतना हम लोग कर देंगे कन्वर्ट कर देंगे इतना डेट दिया गया डेडलाइन दे, दिया कि इस डेट तक सबको ख़त्म करके अपने आप को कन्नड़ लैंग्वेज में साइन बोर्ड्स को करना होगा ठीक है इसके अलावा वंडेलिज़म वहाँ देखा जा रहा है वंडेलिज्म मतलब प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन ज़बरदस्ती का प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन एमरजेंसी का या फिर लोगों को नुकसान करना हार्म करना वहाँ पे देखा जा रहा है हालांकि ट्रेडर्स ट्रेडर्स बिजनेसमैन जो भी है या फर्म्स जो भी है वहाँ पे इस्टाब्लिश है वो लोग एग्री कर दिए हैं इसको इम्प्लीमेंट करने को ठीक है या जो भी नोटिस आया उसके तहत सब लोग है फिर भी वहाँ पर ऐसा डिस्ट्रक्टिव एक्शन गवर्नमेंट का देखा जा रहा है इसके अलावा यहाँ बोल रहा है द वैकेज आर सो कॉल्ड एक्टिविस्ट बाय एन आउटलेट बाय लेड बाय नारायण गौड़ा who forays into headlines हेडलाइंस extreme एक्सट्रीम एक्शन तो वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ wreckage? ब्रैकेज क्या होता है प्रॉपर्टी जब छोटे छोटे पीसेज में बढ़ जाता है ठीक है तो वो हो जाता है आपका ब्रेकेज तो ब्रैकेज ये सब ये सब डिस्ट्रक्शन जो हुआ प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ तोड़ना फोड़ना हुआ किसके बाद वजह से हुआ सो कॉल्ड एक्टिविस्ट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्टिविस्ट मीन्स जो पीपल या पर्सन होते हैं जो एक्शंस लेते हैं ठीक है जो एक्शंस लेते हैं टू कॉज एनी काइंड ऑफ सोशल और यू कैन से पॉलिटिकल चेंज एंड इट इज़ अ मेंबर ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप फॉर एग्जांपल हम लोग अगर बीजेपी का ही बात ले लें तो बीजेपी के जो मेंबर्स होंगे ठीक है आ, उनको बोला जाएगा एक्टिविस्ट उसके ग्रुप के मेंबर है बीजेपी के और अगर वो कोई तरह का एक्शंस लेते हैं टू ब्रिंग एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल और सोशल चेंज दे आर कॉल्ड एक्टिविस्ट ठीक है तो ये सब ये सब प्रॉपर्टी डैमेज किसके द्वारा हुआ गवर्नमेंट के ग्रुप के कुछ लोगों के द्वारा हुआ उनके ही लीडर कौन थे इट वॉज़ लेड बाय नारायण घोड़ा हु इज़ योर नारायण घोड़ा आई वुड गिव यू सम ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट हिम ही वॉज अ मेंबर ऑफ़ कर्नाटिक लेजिस्लेटिव असेंबली ठीक है विधायक के मेंबर इसके अलावा ये ही वॉज अ प्रो कन्नड़ एक्टिविस्ट ठीक है प्रो कन्नड़ एक्टिविस्ट इसके अलावा ये बीजेपी के आपके नेता भी है बीजेपी पार्टी के बिलोंग करते हैं ये आ, और ये ये भी है उस प्रोटेस्ट में खड़े हुए कि हम लोग को सब कुछ कन्नड़ लैंग्वेज में चेंज करना उसके ऑफिशियल लैंग्वेज को या प्रायोरिटाइज करना है इस लैंग्वेज को ठीक है ये है तो सारा जो आ, सोशल एक्टिविस्ट के हेड कौन है आपका नारायण गोड़ा वो आजकल फोरेज इनटू हेडलाइंस विद एक्सट्रीम एक्शंस फोरेज मतलब क्या हुआ आज के टाइम पर हेडलाइन पे बने हुए हैं अपने एक्सट्रीम एक्शंस या प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन ये जो हरकत कर रहे हैं या डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं उसकी वजह से नेक्स्ट नेक्स्ट रीजन ऑथर का है वाई कॉल राउडीज एक्टिविस्ट गौड़ा रोट इन ब्लड टू द पी एम ऑन कारी वाटर वैंगलर इज एक्टिव इन महा कर्नाटका वाटर डिस्प्यूट अपार्ट फ्रॉम बींग अ प्रोपोनेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ कन्नड़ Many such French netas have burst onto the political landscape in several states that last few years, whose activism routinely morphs into vandalism. तो इसमें आपका बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि एक्टिविस्ट लोग को राउडी बोला जा रहा है राउडी क्या होता है ऐसे लोग जो ट्रबल क्रिएट करते हैं या किसी तरह का उनका जो रॉन्ग डूइंग रहता है जिसकी वजह से पब्लिक सफ़र करते हैं या फिर आप बोल सकते हैं ये लोग डिसऑर्डर कंट्री में डिस्टर्बेंस या डिसऑर्डर लाते हैं ऐसे लोग को राउडी कहा जाता है ठीक है तो ये एक्टिविस्ट लोग यानी गवर्नमेंट के जो वर्कर्स हैं एक्टिविस्ट हैं मेम्बर्स हैं उसको अराउडी क्यों कहा जा रहा है यहाँ पर सी तो गौड़ा जो ये लीडर है सोशल एक्टिविस्ट लीडर है नारायण गौड़ा उन वो क्या हुआ रोड इन द ब्लड ऑफ पीएम तो पीएम को नोटिस लिखे थे क्या नोटिस लिखे थे कि ऑन दी कावरी वाटर वेंगलर वैंगलर मींस डिस्प्यूट तो आप लोगों को सबको पता होगा कि हमेशा से कावरी क्या यहाँ पे एक कन्नड़ लैंग्वेज में कावेरी कावेरी जो आपका रिवर है कावेरी रिवर को कन्नड़ लैंग्वेज कावरी बोला गया ठीक है कावरी वाटर रेंगल तो क्या होता है कावेरी बेसिन या कावेरी रिवर आपका ले लीजिए वो एक हमेशा से एक मुद्दा रहा है डिस्प्यूट का या लड़ाई का मुद्दा रहा है किसके बीच तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच उसके अलावा क्या इसमें बोला गया है महाकर्नाटका बॉर्डर डिस्प्यूट यानी महाराष्ट्र और आपका कर्नाटका का जो बॉर्डर का इशू चलता है यहाँ पे क्या इशू है हम आपको बता देते फिर भी थोड़ा सा कि आप लोगों को पता होगा यहाँ पे अगर महाराष्ट्र ये है और कर्नाटका फ़ॉर एग्जांपल ये है तो यहाँ पे एक स्टेट लाई करता है इन दो की बॉर्डर के जस्ट बीच में उसको आप बोलेगा बाला गावी ठीक है बाला गावी स्टेट है ठीक है इसको लेकर डिस्प्यूट हमेशा से चाह किसके बीच महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच ठीक है तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि ये घोड़ा उन्होंने पीएम को नोटिस लिखा या लेटर लिखा अबाउट द योर कावेरी डिस्प्यूट बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका एंड महाराष्ट्र एंड कर्नाटका डिस्प्यूट अपार्ट फ्राम विच डिस्प्यूट अपार्ट फ्राम द डिस्ट्रीब्यूट ऑफ डेवलपिंग कन्नड़ लैंग्वेज एज द स्टेट लैंग्वेज और टर्निंग थिंग्स और साइन बोर्ड्स इन दिसट लैंग्वेज एंड प्रायरिटाइजिंग दिस लैंग्वेज ठीक है उसके अलावा सच फ्रिंज नेताज फ्रिंज क्या होता है आपका जो होता है कि एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ जो अपना एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशल या पोलिटिकल मूवमेंट होता है वो ऐसे नेता लोग जो हरकत करते हैं बर्स्ट ऑन टू पोलिटिकल लैंडस्केप इन सेवरल स्टेट्स इन लास्ट फ्यू ईयर्स तो ये कहा जा रहा है कि इनका ये सब नौटंकी बहुत फ्यू uh, ईयर्स से चला जा रहा है और उनका एक्टिविज्म यानी उनका हरकत जो भी है वो कर रहे हैं सब चीज़ प्रमोट करने के लिए रूटीनली मॉर्स इन टू वैंडलिज़म ये उनका एक्टिविज़म क्या चेंज में हो रहा है वैंडलिज्म में चल रहा है वो एक्टिविज्म क्या होता है एक्टिविस्ट क्या करता है लोगों को अवेयर करता है एक्टिव करता है या फिर uh, अवगत कराता चीज़ों को लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं अपना पावर का गलत इस्तेमाल करके चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं डिस्ट्रप्ट कर रहे हैं डिसऑर्डर ला रे कंट्री में आ, अपने आप को डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं आ, और ये हमें लास्ट फ्यू इयर्स से चला जा रहा है इसके अलावा यहाँ पे द वर्ड इज मॉर्स मींस इट इज मेकिंग मॉर्स मींस टू मेक टू एक्टिविज्म इज बीइंग टर्न्ड और मेड टू वैंडलिज्म नेक्स्ट ऑर्डिनेंस रूट इज ओवररीच शॉली द डिसजन टू मेक टू फोर्टी रेशियो अमेंडमेंट कुड हैव वेटेड टिल द लेजिस्लेचर मीट कवेलियर यूज ऑफ ऑर्डिनेंस बाय द एग्जीक्यूटिव फॉर रीजन दैट हैव लिटल टू डू विद पब्लिक इंटरेस्ट अंडर माइंड द लेजिस्लेचर सो इधर क्या बोला जा रहा है बेसिकली कि Uh, यहाँ पे जो डिसीजन है डिसीजन क्या है सिक्सटी टू फोर्टी रेशियो का अमेंडमेंट यानी चेंज लाने का बाय दी लेजिस्लेचर लेजिस्लेचर वी ऑल नो लेजिस्लेचर मतलब क्या होता है लॉ मेकर्स जो लोग कानून जो पार्लियामेंट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली में विधायक में जो भी लोग कानून बनाते हैं वो लॉ मेकर्स या लेजिस्लेचर कहलाते हैं तो ये जो डिसीजन है कि हर चीज़ कन्नड़ लैंग्वेज में यानी सिक्सटी टू फोर्टी रेशियो में चेंज लाना है ये रुक सकता था कि नहीं ये रुक सकता था ये डिसीजन लिया जा सकता था बाद में कब जब लेजिस्लेचर

गवर्नमेंट वहाँ पे जो क्या हुआ अचानक से ऑर्डिनेंस जारी कर दिया यानी रूल जारी कर दिया आदेश दे दिए कि हर चीज़ कन्नड़ लैंग्वेज में सिक्सटीज़ टू फोर्टी रेशो में लाना होगा तो ऐसा uh, जो बिना पब्लिक का चिंता करते हुए ऐसा जो बिहेवियर है ये एग्जीक्यूटिव के द्वारा फॉर द रीज़न दैट हैव टू लिटिल टू डू विथ पब्लिक इंटरेस्ट अंडरलाइंस द लेजिस्लेटर अंडरमाइंस क्या होता है इधर अंडरमाइंस बेसिकली मीन्स वीकेंस द लेजिस्लेचर ठीक है तो ऐसा जो हेस्टी डिसीजन है फ़िक्र नहीं है गवर्नमेंट को अपना आदेश दे दी है एग्जीक्यूटिव द्वारा जो भी है एग्जीक्यूटिव क्या होती जो है जो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं लॉज को लेजिस्टि लॉज बनाते हैं एग्जीक्यूटि इम्प्लीमेंट करते हैं ठीक है ये सो करता है कि उनको ज़रा सा भी लिटिल इंटरेस्टेड है कि पब्लिक को कैसा पब्लिक कैसे सफर कर रहे हैं या पब्लिक इंटरेस्ट का क्या हो रहा है ये अंडरमाइंस करता है अंडरमाइंड क्या होता है वीकन करता है को गवर्नमेंट को कमजोर करता है या दिखाता है कमजोर बनाता है नेक्स्ट इन्वेस्टर टूरिस्ट बीवेर एनी वैंडलिज्म इवन इफ टर्स वीपरेटरीज आर पिक्ड अप बाय पुलिस इज सेट बैक फॉर अ स्टेट नोन फॉर इट्स अन इट्स फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट फॉर अर्जेंसी शोज टू अमेंड द लॉ सेंस आउट ऑफ़ मेसेज ऑफ वीक गवर्नेंस कर्नाटका एज एन इन्वेस्टर टूरिस्ट माइग्रेंट हब कैन लीस्ट अफोर्ड दैट सो इसमें क्या बोला जा रहा है कि इस तरह से बैंडलिज्म क्या हम अभी बताएँ कि, कि प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन या हर चीज़ को नुकसान पहुँचाना अपने आप को मतलब डिसीजन लागू करने के लिए तो इस तरह का बैंडलिज्म क्या दिखाता है इट्स इट्स प्रिप प्रिपेट तो प्रपटेटर्स मतलब क्या होता है एक इ आपका या इमोरल एक्ट तो इट इज़ अ पोट्रियल ऑफ सच इीगल थिंग्स बाय पुलिस या फिर इमोरल एक्ट्स बाय पुलिस पुलिस मार रही है लोगों को फोर्स कर रही है कि कन्नड़ लैंग्वेज में, में सर्च चेंज कीजिए या अपने आप को आउटरीज उनका गुस्सा दिखा रही है तो इट इज़ अ सेटबैक इज़ अ सेटबैक मतलब रॉन्ग एग्जाम्पल सेट करता है फॉर अ स्टेट फॉर अ स्टेट मतलब कर्नाटका के स्टेट के लिए हु इज़ नोन फॉर इट्स फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट कर्नाटका इज़ फॉर इट्स फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट लोग आते हैं वहाँ इन्वेस्ट करते हैं वो टूरिस्ट हब है माइग्रेंट हब है माइग्रेंट मतलब क्या होता है लोग इधर इधर उधर से आते हैं वहाँ जॉब ढूंढने या फिर काम करने सीखने पढ़ने ये होता है आपका माइग्रेंट पीपल ग्रुप तो उसके बाद ये एक सेटबैक है मतलब कर्नाटका के स्टेट में एक बहुत गलत इंप्रेशन डालता है फर्दर द एजेंसी सोज टू अमेंड द लॉ सेंड्स आउट अ मैसेज ऑफ वीक गवर्नेंस तो बोला इस तरह से हेस्टली डिसीजन लेना क्या दिखाता है इस हेस्टली चेंज लेना दिखाता है कि गवर्नमेंट वहाँ की कमज़ोर पड़ रही है या फिर प्रॉपरली काम नहीं कर रही है रूल और ऑर्डर के बेसिस में कर्नाटका एज एन इन्वेस्टर टूरिस्ट माइग्रेंट हब कैन डी स्ट अफोर्ड इट तो फिर कर्नाटका जो इतना फेमस अपने टूरिज्म के लिए अपने इन्वेस्टर्स के लिए या माइग्रेंट हब के लिए वो ऐसे ऐसे सेटबैक लाता है वो लीज एक्सपेक्टेड है ऐसे स्टेट से नेक्स्ट एंड द लास्ट रीजन एन वाई एन ओ वाई बी इसका फुल फॉर्म क्या है आपका नन ऑफ योर बिजनेस सो द ट्वेंटी ट्वेंटी टू लॉ टू डेवलप कन्नड़ लैंग्वेज डजेंट स्पेसिफिक by A ratio but makes kernel primary and instructs kernel be used in upper sections of boats. A 2018 GEO specified the 60 is to 40 ratio. The key point is what language private entities use for their signboards ad, etc., is not state business. तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि देखिए ये तो हम लोग अभी पढ़े कि ये लास्ट फ्यू ईयर से सब बात चल रहा है इसको कन्नड़ लैंग्वेज में चेंज करना है हर चीज़ को वहाँ कर्नाटका या बेंगलुरु में तो उसमें क्या हुआ ट्वेंटी ट्वेंटी टू में ऐसा लॉ लाया गया कि कन्नड़ लैंग्वेज को एक प्राइमरी लैंग्वेज बनाया जाएगा ठीक है प्राइमरी या स्टेट लैंग्वेज या बेसिक लैंग्वेज बनाया जाएगा जिसके माध्यम से इम्पोर्टेंस दिया जाएगा उसको इस ये इस लैंग्वेज को स्टेट में इसके अलावा क्या हुआ था टू थाउजेंड एटीन में आपका एक स्पेसिफाई uh, किया गया था सिक्सटी टू फोर्टी रेशियो का ठीक है और इस बार इसको पक्का से लागू करने बोला जा रहा है कब तक आपका फेब्ररी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर तक इतना दिन तक ये सब बात चल रहा है पर यहाँ पे ऑथर का मेन बात क्या है कि द की पॉइंट इज़ वट लैंग्वेज प्राइवेट एंटिटीज़ यूज फॉर द साइन बोर्ड एज इज नान ऑफ द स्टेट बिजनेस मतलब कोई इंसान मान लीजिए कोई इंसान आया है और कर्नाटिका में आपका आके या फिर बैंगलोर में आके वहाँ पे अपना कोई बिजनेस खोला अब अगर आप उसको फोर्स कीजिएगा कि अपना साइन बोर्ड यानी अपने दुकान का नाम अपने फर्म का नाम आप कन्नड़ लैंग्वेज में कर दीजिए यानी स्टेट लैंग्वेज में कर दीजिए ये सरकार का बिजनेस या स्टेट बिजनेस नहीं होना चाहिए वॉट प्राइवेट पीपल डू या प्राइवेट एंटिटीज डू विद साइन बोर्ड्स या नेम प्लेट्स उसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ये सब सरकार का बिजनेस नहीं होना चाहिए इसीलिए इसमें कहा जा रहा है नन ऑफ योर बिजनेस सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे आई होप यू लाइक द वीडियो थैंक यू एंड हैव अ वरफुल डे अहेड